नमस्कार मैं दिव्यांशु कुलश्रेष्ठ और के आई ए न्यूज़ में आपका स्वागत है आज हम मैनपुरी पहुंच चुके हैं और मैनपुरी के जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम प्रदीप सिंह चौहान जी हैं हमारे साथ तो बात करते हैं जहाँ पर उन्नीस से सांसद भी यहाँ समाजवादी पार्टी के हैं उसके बाद अभी तक किसी भी पार्टी कोई सांसद नहीं बनाए तो सर बहुत बहुत स्वागत है पहले तो के में आपका धन्यवाद धन्यवाद सर बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए क्योंकि ये जो समाजवादी पार्टी का मैनपुरी है गढ़ माना जाता है आपके जो चुनावी रणनीतियां हैं वो अब क्या क्या रणनीतियां हैं कैसे आप काम कर रहे हैं हमारी रणनीति सीधी सीधी है मोदी जी योगी जी का जो नेतृत्व है उस नेतृत्व की नीत और नियत के कारण जो जनता में एक जनविश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति उसके दम पर हम एक नया इतिहास रचेंगे चारों सीटें जीतेंगे नहीं सर आपके जो एजेंडे हैं चुनाव को लेकर चूँकि जिला अध्यक्ष पर पूरी जिम्मेदारी होती है आप भी समझते हैं सारी चीज़ें तो आपकी जो एजेंडे हैं आप जनता के बीच जाएंगे जनता को आप कैसे डाइवर्ट करेंगे अपने तरफ जनता जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं आवास है उज्ज्वला गैस का कनेक्शन है माताओं बहनों के सम्मान के लिए शौचालय है हमारी गरीब की बेटी जिसका ब्याह करने में उसके माता पिता जमीन गिरवी रख दिया करते थे जेवर गिरवी रख दिया करते थे साहूकारों से कर्ज लिया करते थे आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सैकड़ों की संख्या में हमारे जिले में हजार हजार पार कर गए होंगे दो हज़ार भी हो गए होंगे ऐसे विवाह कराए हैं इतना पुण्य का काम ये तो हमने एक दो आपको जानकारी दे दी असंगठित क्षेत्र का हमारा श्रमिक है उसके लिए ई श्रम कार्ड उसमें तो जो श्रम विभाग करा रहा व्याह शादी पचहत्तर हज़ार रुपये उसमें दिए जा रहे हैं सारे खर्चे को मिला करके जन कल्याणकारी योजनाएं और मोदी जी योगी जी का नेतृत्व है उसके दम पर और एक बात और कह दूँ दो में भारतीय जनता पार्टी एक नारे के साथ जनता के बीच में गई थी न गुंडा राज न भ्रष्टाचार अब की बार भाजपा सरकार न भेदभाव न अत्याचार अब की बार भाजपा सरकार हमने जो नारा दिया था उसको हकीकत में साबित करके दिखाया है आज गुंडे या तो जेल के भीतर हैं या फिर राम नाम सत्य करके ऊपर हैं इसलिए एक कानून का राज है उत्तर प्रदेश में माफिया राज ध्वस्त हुआ है खनन करने वाले लोग अवैध शराब बेचने वाले लोग मैं कितने अपराध बताऊं इतना संगठित गिरोहों चला रहे थे जिनको राजनीतिक संरक्षण था सपा का बसपा का एकाध जगह फुटकर मैं कांग्रेस का ये सब ध्वस्त कर दिए महाराज जी ने इसकी दम पर जनविश्वास बढ़ा है हम चारों सीटें जीतेंगे सर ये सारी चीज़ें तो ठीक है लेकिन आ, प्रदेश को बढ़ाने के लिए युवा को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और आज के टाइम पे युवा बेरोजगारी से बहुत परेशान है तो इसके लिए आप क्या क्या आपके जो आगे की जो कार्य प्रगढ़ शैली होगी स्किल डेवलपमेंट सुना है आपने कौशल विकास केंद्र सरकार भी चला रही है प्रदेश सरकार भी चला रही है रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होती रोजगार का मतलब है अपना नया स्टार्टअप आपको मालूम है इस कोरोना काल में कितने बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं सरकारी नौकरियाँ छोड़ के आए उन्होंने कृषि आधारित उद्योग स्टार्टअप शुरू किए हैं ये जो मोदी जी ने लोगों को आगे बढ़ाने का अवसर दिया है युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से और पी एम योजना उसके माध्यम से इन योजनाओं के माध्यम से केवल पढ़ा लिखा नहीं जो अकुशल श्रमिक है रेहड़ी पटरी वाला है उसको भी कुछ नहीं तो कोरोना काल में जो एक छोटी से ठेला लगाता रेहड़ी लगाता था उसको ब्याज मुक्त तो दस हज़ार का ऋण दिया कि चलो वो भी अपना ठेला लगा ले फड़ लगा ले हमारी सरकार समग्रता में भरोसा करती है छोटे से लेकर बड़ा व्यक्ति तक सबको रोजगार के अवसर मुहैया कराना और रही बात सरकारी नौकरियों की दो वर्ष का ही कोरोना काल निकल गया उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने साढ़े चार लाख सरकारी नौकरियां दी वो भी बिल्कुल ट्रांसपरेट कहीं कोई भ्रष्टाचार सैफ ही में लिस्ट बना करती तो ऐसे जैसे आप बैठे यहाँ हमारे सहयोगी मीटिंग करने आए थे हम लोग बैठक कर रहे उनके यहाँ सूचियाँ आती तो बोली लगती थी ये पाँच लाख उन्होंने कहा नहीं 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 साहब सात लाख वाला तो फाड़ दी जाती थी सात तब तक किसी ने कहा नहीं 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 साहब नौ लाख फिर फाइनल होता था सबसे हाइएस्ट बोली किसकी है वो फिर सूची फाइनल होती थी ऐसी सारी व्यवस्था पर महाराज जी ने बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया है बिल्कुल ध्वस्त कर दिया इस व्यवस्था बात करते हैं सर अभी सभी पार्टियां चुनावी रैलियां कर रही हैं ओमिक्रोम एक तरफ अपने पैर धीरे धीरे देश में पसार रहा है और तो चुनावी रैलियों में इस पर क्या क्या ध्यान दिया जा रहा है और कैसे इसकी जो भी इसके नियम हैं उनका क्या क्या पालन कराया जा रहा है देखो मोदी जी से ज़्यादा कोई जागरूक नहीं है जब हमारे देश में कोविड की पहली लहर आई थी हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर था उसके बावजूद मोदी जी ने अपने जो जनता के प्रति उनका भरोसा और जनता का जो उनके प्रति भरोसा उसको लेकर के उन्होंने लॉकडाउन लागू किया और बिना किसी तो बहुत ज़्यादा पुलिस बल के बहुत कुछ दबाव के जनता ने उसको माना उस समय जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं दवाई आ गई तब कहा जब दवाई भी कड़ाई भी और उस कोविड की प्रथम लहर दूसरी लहर आई कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई लेकिन सरकार ने उसको जितनी जल्दी नियंत्रित हो सकता था जनता के बीच में जाकर के सरकारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी आप कल्पना करिए किसी के पिताश्री का निधन हो जाए और वो द्रवित होने के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए कि हमारी जवान बहन बेटियां जो कोटा में कोचिंग कर रही हैं कांग्रेस की सरकार ने शटल डाउन कर दिया आखिर वो घर तक कैसे पहुंचेंगी उनको बस भेज रहे हैं वो केजरीवाल जो गरीब 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 की बात करते हैं उन्होंने हमारी दुदमुहे बच्चों को लिए हुए माताओं को गाजियाबाद और लोनी के बॉर्डर पर धकिया दिया उनको हमारे महाराज जी ने वहां से ला करके बलिया पहुँचाया गोरखपुर पहुँचाया महाराजगंज पहुँचाया बैनपुरी पहुँचाया उत्तर प्रदेश के सब भागों में उत्तर प्रदेश नहीं हमारे बिहार बंगाल उड़ीसा के वहां तक के जो श्रमिक और प्रवासी थे उनको भी आगे भेजने का काम किया ये आप समझिए जितनी उत्तर प्रदेश सरकार और हमारी केंद्र की सरकार कोविड को लेकर संवेदनशील है इतना कोई नहीं है ये जो सपा बसपा के लोग ये सब क्वारंटाइन थे डर के मारे भय के मारे हम भाजपा के विकास की बात करते हैं समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो आरोप लगाते रहे कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमारे जो कार्य हैं उन्हीं का शिलान्यास करने का काम कर आप, है। अब देखो ऐसा अखिलेश भैया तो ये भी कह देंगे साहब कि ये साहब कुतुब मीनार हमने बनवाई थी और वो तो साहब गलत नाम लिख दिया गया ताजमहल हम हमने बनवाया था उनका नाम तो अखिलेश भैया सबको लोकतंत्र है सबको अपने अपने दावे कहने का हक है वो जो चाहे कहें लेकिन ये विजनरी और मिशनरी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आप कल्पना करिए ये एक, एक एक्सप्रेस वे बनाया इन्होंने आगरा लखनऊ उसके जो बचत हुई इन लोगों को उसकी बंदर बाँट के लिए पूरे परिवार में कुनबे में रार रही हमारी मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील हैं छत्तीस हजार करोड़ रुपए से उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के बाद पहली कलम से छोटा किसान लघु किसान सीमांत किसान उसका ऋण माफ करते हैं दस हजार बीस हजार पचास हजार एक लाख तक का लोन माफ करते हैं क्यों किसान हमारा अन्नदाता सबसे पहले शुद्ध लेने किसानों की शुद्ध ली सरकार में गद्दी पर बाद में बैठे दस्तखत पहले किया है छत्तीस हजार करोड़ रुपए से उत्तर प्रदेश के छोटे किसानों का ऋण माफ़ ये संवेदनशील सरकार है विकास की बात आप जाइए जरा जीटी रोड देखिए इसमें कितने गड्ढे थे ये जी रोड यहीं से यहाँ से है पंद्रह किलोमीटर दूर बीस किलोमीटर फरतपुर पर आप जाइए ऐसे फराटा भरते हुए फोर लेन जा रहे हैं अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस आप देखा उद्घाटन हुआ आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे यहाँ हमारे मैनपुरी जनपद के बगल में इटावा जनपद का उसराहार और ये कुद्रैल है वहाँ से हो सकता है इलेक्शन कोड लगते लगने तक उसकी एक लाइन चालू हो जाए गंगा एक्सप्रेस वे का अभी परसों माननीय प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया है पूर्व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे बन रहा है ये जो कनेक्टिविटी दी है इसको मेरे अपने जिले में मेरे अपने जिले में हमारे पास मात्र एक विधायक है सांसद हमारा नहीं और विधायक हमारे नहीं लेकिन इसके बावजूद दो दो स्टेट हाईवे हमने अभी इस सरकार में दिए हैं आपका सिरसागंज करहल किशनी और विधुना स्टेट हाईवे एक और आपका सौरिख उसमरा मैनपुरी अलीगंज बदायूं स्टेट हाईवे नंबर 141 ये हमने दिए चौड़ीकरण हो रहा है डामर हो गया आप जाके अभियाल घूम के आइए जाइए लाइव हमें दिखाना कहना भैया हाँ डामरी को सड़क पे घूम रहा हूँ ये छोटी बातें हैं जहाँ बिजली की बात बिजली है सड़क है स्वास्थ्य है आपका शिक्षा है शिक्षा हमारे गरीबों के बच्चे माता पिता बुजुर्ग हैं घर में बेटे को पढ़ाना है हम अपने बच्चे को लेकर शहर में आ गए न तो माता पिता की देखभाल हो पा रही न हम रोज़गार कर पा रहे हैं न बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं महाराज जी ने कहा ये गरीब जो है ये भागदौड़ में लगा है हम इसके बच्चे को अच्छी शिक्षा गांव में ही देंगे वो तब मिलेगी जब हम विद्यालय अच्छा करेंगे वो माता पिता की सेवा भी करें अपनी खेती किसानी भी करें अपना पशुपालन भी करें और बेटे को अच्छी तरह से पढ़ाई भी आज कायाकल्प योजना के तहत जो गाँव के प्राइमरी स्कूल हैं कंपोजिट विद्यालय बन रहे इंग्लिश मीडियम विद्यालय बन रहे वहाँ उनको ड्रेस दी जा रही है उनको जूते मोजे दिए जा रहे हैं उनको पुस्तकें दी जा रही हैं उनको एम दिया जा रहा है और सम्मान के साथ जीने का छोटा बच्चा अगर सोच जाए तो रनिंग वाटर मिले उसको वहाँ से वो हाथ धोए बढ़िया विद्यालयों में टाइल्स लग रहे हैं रनिंग वाटर पानी की टंकी रखी जा रही ये सारा जो ढांचा का सुधार हो रहा है ये विकास है सर अभी थोड़े दिन पहले मनोज यादव जी जो आर ग्रुप के मालिक हैं उनके आवास पर आकर विभाग का छापा पड़ा समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये चुनाव को देखते हुए आरोप मतलब उनके घर पे छापा पड़ा क्या कहना चाहेंगे देखो ऐसा समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहेंगे कानून का राज है देश में इनकम टैक्स सेंट्रल का डिपार्टमेंट है सभी लोगों को स्वतंत्रता है किसी को लग रहा है हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो जाए कोर्ट में जाके ऊपर अपना प्रत्यावेदन दें लेकिन सबने देखा है समाजवादी पार्टी की सरकार में वो लोग जो पाँच साल पहले साइकिल से चला करते जिनके पास टूटी फूटी साइकिल भी नहीं होती थी पजैरो फार्चुनर नई नई गाड़ियाँ मैनपुरी के लोगों ने नाम नहीं सुने नाम नहीं जाने उनके ऐसे अटपटे नाम हैं जो हम ले नहीं सकते प्रोनाउंसिएशन करने में आ, आ, हिचक जाते हैं वो गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं ये जो खनन का पैसा शराब का पैसा ये जो नंबर दो के धंधों का पैसा सड़कों को खोदने बनाने उच्चीकरण सुदृढ़ीकरण चौड़ीकरण सौंदर्यीकरण कितने करण कितने चरण सब खोद के खा गए उत्तर प्रदेश को इन लोगों पे ये छापे अगर पड़ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी को इसलिए पीड़ा हो रही है कि उनका कहीं ना कहीं भाई चोर की दाढ़ी में तिनका स्वाभाविक सी बात है अगर सब कुछ उनका नीट एंड क्लीन है तो होने दे पढ़ने दे छापे अगर सब कुछ ठीक होगा ठीक हो जाएगा कानून का राज हमारे देश में तो बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत तो ये थे हमारे साथ प्रदीप सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कल फिर मुलाकात होगी नए शहर में नए प्रत्याशियों के साथ आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे क्या आप जानते हैं कि आरबीआई पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए ए आई ए न्यूज ऐप डाउनलोड